भाई साहब ये देखो जामा मस्जिद और यहाँ पर भीड़, मतलब क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई। ये भाई ये देखो यही है सरोजनी मार्केट। लाइन बहुत ज्यादा लगी हुई है, यहाँ पर हिम्मत टूट गई है और दस हबीबी वाले और ये है मोहब्बत के सरवर और इस्लाम वाले को। बहुत दूर से आए हैं आपकी मोहब्बत में, मोहब्बत कशे आप लोगों ने इनको देखा होगा, हबीबी शरबत मोहब्बत है। आए भाई कुछ बढ़िया जगह लग रहा है। यहाँ पर तो हमारे उमर भैया ने जो है एयरपोर्ट लिया है। खुश हैं आप उमर भाई? एक में 40 ही है। हाँ तो अभी बैटरी तो भाई पड़े रहते हैं। ये है भाई 600 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नोएडा में हूँ इस टाइम, और अभी सुबह सुबह आज सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, सामने धूप निकली हुई है और उमर और अकदस दोनों सो रहे हैं। उन लोगों को बहुत देर से उठाने की कोशिश कर, दोनों पड़े हुए हैं अंदर। ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा, ज़बरदस्त धूप निकलती हुई। अभी थोड़ी देर में देखिए निकलते हैं, आज संडे भी है, दिल्ली जाने का भी मन है और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए, लेके चलता हूँ आप लोगों को जल्दी। तो भाइयों आखिरकार सुबह 6 बजे जाना था, अभी बज गए हैं 12 और ये दोनों घोड़े हो गए हैं रेडी फाइनली। तो बस चलिए अब चलते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। कहाँ चलते हैं ये भी डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, बट चलते हैं। तो चलिए चले हम लोग। ये आपको कल दिखा ही चुका हूँ, आज दिन में भी दिखा दे रहा हूँ नज़ारा, जो फ्लैट है। और ये कल भी पगला रहा था, आज भी पगला रहा है, एसी आ रही है नीचे। आ गए नीचे हम लोग, बस चलिए अब चलना है मेट्रो पकड़ने। बाइक बहुत चला ली 750 किलोमीटर कल, अब मन नहीं है एकदम भी और धूप भी बहुत तेज है। चलिए बस चलते हैं जल्दी से मेट्रो स्टेशन। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है जैसे कि आपने देखा, पीछे बहुत भीड़ है। तो अकदस के पास ये मेट्रो कार्ड थे, रिचार्ज नहीं था बट इसमें तो रिचार्ज करा करके फटाक से अंदर आ गए। चलिए चलते हैं जल्दी से मेट्रो पकड़ते हैं। अन देखने के बाद भाई मेट्रो स्टेशन पहली बार आ रहे हैं तो भाई जवान वाली फीलिंग आ रही है और अकदस पागल हो गया है हम लोगों की ब्लॉगिंग से। बस भाई ये सब तो आपको दिल्ली में देखने को मिलता ही रहेगा। ये पीछे मेरे एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, भीड़ बहुत है सरोजनी में। चलिए चलते हैं फिर आगे यहाँ से फटाक से करके। भाई बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं तो अभी शिकंजी और ये पकौड़े वगैरह कुछ चल रहा है, इसको खाते हैं। खाने के बाद फिर आगे कुछ शॉपिंग वगैरह, अगर सस्ते कपड़े मिलते हैं जैसे जीन्स वगैरह वहाँ जाएंगे, पहले इसको इन्जॉय कर ले बढ़िया। ये भाई ये देखो यही है सरोजनी मार्केट, जबरदस्त भीड़ है भाई, मेला लगा हुआ लग रहा है एकदम। अच्छी जगह आ गए हम लोग, यही ढूंढना था ये लोअर वगैरह। थोड़ा बेहतर है भाई यहाँ, चलो और देखते हैं कुछ मिल जाए तो। सरोजनी में तो कुछ होने से रहा, अब जो है क्या बोलते हैं यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं या तो जामा मस्जिद जाएंगे या शाहीन बाग या कहीं और, कुछ तो लेकर ही जाएंगे यार। फिर अब थोड़ा दिमाग ठंडा कर लिया, डाइट वैसे भी हो नहीं रही है भाई। यहाँ पर तो हमारे उमर भैया ने जो है एयरपोर्ट लिया है। खुश हैं आप उमर भाई? एक में 40 ही है। हाँ तो अभी बैटरी तो भाई पड़े रहते हैं। ये है भाई 600 रुपए में। अभी है हम लोग राजीव चौक पर, अब यहाँ से जाना है हमको पालिका बाजार। तो फिर अब हम जा रहे हैं दूसरी मेट्रो पकड़ने, मेट्रो पकड़ पकड़ के
दिमाग हो गया खराब। यार चलो अब चलते हैं आगे। भीड़ देखो भाई आप लोग, यार भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही कहीं भी, बहुत भीड़ होती है यहाँ मेट्रो स्टेशन पर। तो अभी हमें कनॉट प्लेस पर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और शॉपिंग तो करनी थी बट कुछ हो नहीं पाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ से लगी हम लोगों को भूख, तो चलेंगे कहीं बढ़िया सी जगह पर कुछ खाएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर आगे कहाँ चलना है। कुछ ये व्यू है भाई, बहुत भीड़ होती है यार दिल्ली में भी। चलते हैं आगे। क्या जबरदस्त भाई। तो भाइयों अभी जो है थकने के बाद हम आ गए हैं KFC में, और यहाँ पर कुछ खाएंगे। मैं और उमर बैठे हुए हैं, अभी बगलाइटी कर रहा है। अकदस जो है नीचे ऑर्डर ले रहा है, उसके बाद KFC के बाद चलते हैं, देखते हैं कहाँ चल सकते हैं। शॉपिंग तो हो नहीं भाई, बहुत भीड़ थी और थक भी बहुत गए क्योंकि कल 700 किलोमीटर बाइक राइड की, इसके बाद जो है बहुत थक गया। पीने भी नहीं लाया। ये आ गया भाई अपना अकदस। अपना अकदस भाई, थोड़ा मक्खन तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा बर्गर तो कनॉट प्लेस से हम लोग जो है KFC से खाना वाना खा करके बस अब फाइनल डेस्टिनेशन है अपनी जामा मस्जिद। तो चलिए आइए चलते हैं जामा मस्जिद। संडे बहुत है तो वहाँ भी भीड़ तो बनती ही है। चलिए चलते हैं आप लोगों को लेकर के फिर। कैसा लग रहा है तुझे कनॉट प्लेस आकर के? आज अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई, थक गया यार। देख यो बॉय वेयर सामने। ओह मुंडा दिखा था हम लोगों को, देखिए प्यारा सा बच्चा छोटा हनी सिंह। चलिए यहाँ से निकलते हैं भाई, अब बहुत हो गया। अब राजीव चौक से चलते हैं हम लोग जामा मस्जिद और बस मज़ा करते हैं वहाँ जाके। तो भैया आखिरकार जामा मस्जिद आ गए हम लोग और ये लास्ट डेस्टिनेशन है अपनी, उसके बाद घर चलेंगे क्योंकि अब तक बेचारा बहुत हाल बहुत बुरा हो गया है। नहीं मारेंगे तो बस उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर। ये देखिए भाई ये है मार्केट। भाई मुझे भी लेना यार। ले लो भाई, तुमको ले लिया हमने। ये भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू तुम्हारे लायक का खेल है, सब ले लो भाई। वो देखो सामने जामा मस्जिद दिख रही है, चलते हैं पहले आगे। यहाँ पर उमर ले ले आया अपने भाई का कवर। कितने का है भाई? अभी उल्टा लगा रहा है भाई। यहाँ पर वॉच वगैरह भी भाई, वॉच कितने की है? अपने पीने का भी खूब इंतजाम है, कलेजियाँ वगैरह मिल रही हैं। क्या बात है भाई, सीख कलेजी वगैरह मिल रही है, और पहले यहाँ से सीख कलेजी खाएंगे उसके बाद चलेंगे आगे। सजेशन है मेरा कभी भी यहाँ आना, यहाँ की कलेजी वगैरह मत खाना, एकदम थर्ड क्लास थी बिल्कुल भाई। मूड खराब हो गया हमने फेंक दिया। भाई कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई खाने भाई? लालू कबाबी की कलेजी खानी है आपको, वहाँ चले जाना सुई वाला। चलो ठीक है भाई, अगर मौका मिला तो जरूर जाऊंगा, यहाँ की तो मूड खराब हो गया, पता नहीं था यार क्या कर सकते हैं। चलो भाई ना जहाँ बताइए आप वहाँ चलेंगे। भाई साहब ये देखो जामा मस्जिद और यहाँ पर भीड़, मतलब क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। अब तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ का, ये बिरयानी भी नहीं सजेस्ट करूँगा। अकदस खा चुका और बोल रहा अच्छी नहीं होती है। तौफिक की बिरयानी खाना भाई ने बोला है। चलो चलते हैं आगे। अब एंट्री गेट पर यहाँ से चलते हैं अंदर। फाइनली आइए चलते हैं अंदर। आइए भाई चलते हैं। यहाँ पर पहले जूते अंदर डालेंगे हमने, आप देख रहे हैं वो लाल किला, और ये अब हम इंटर कर रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर। क्या नज़ारे हैं भाई, वाह भाई वाह, माशाल्लाह।
भीड़ देख के तो लगता है कि भाई ये देखिए भाई क्या खूबसूरत काफी ही ज्यादा बड़ी है। एक गेट इसका ये है, एक गेट उधर काम लगा हुआ है और एक गेट वो देखिए वो है। बहुत बहुत बड़ी मस्जिद है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पर भाई। भीड़ तो देखते ही बनती है, बहुत भीड़ है यहाँ पर और लोग घरे पड़े हुए हैं। चलिए अगर नमाज का भी टाइम होने वाला है आई थिंक मगरिब की, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि नमाज यहीं पढ़ी जाए। असर की नमाज अभी मैंने नहीं पढ़ी है, असर की नमाज का टाइम बचा हुआ है। अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पर वजू खाने में वजू करने और उसके बाद अदा करूँगा यहाँ पर असर की नमाज, और इंशाल्लाह अगर रुका रहा तो मगरिब भी यहीं से पढ़ के जाऊँगा। भाई वजू हो गया है, चलिए चलते हैं नमाज पढ़ने, असर का वक्त भी बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई नमाज पढ़ ली जो भी हमने पढ़नी थी, और मगरिब का टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, मगरिब की नमाज भी यहीं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं तो आप लोगों को लेके चलते हैं फिर आगे। अजान होने वाली है भाई मगरिब की, आप लोग पीछे देख रहे हैं भीड़ खत्म होती जा रही है, अजान का इंतजार है, फिर अजान के बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। भीड़ इकट्ठे होने चालू हो गई है नमाजियों की, बाकी लोग जा रहे हैं, जिनको नमाज पढ़ना है वो जो है घर आ रहे हैं। सफाइयाँ शुरू हो गई हैं नमाज से पहले कि यहाँ पर भी जमात बनती है तो सफाई शुरू हो गई है। ये स्टाफ जो है, जो लोग नमाज नहीं पढ़ना है, बच्चे हैं, उनको जो है कह रहे हैं बेटा आप लोग बाहर जाइए। नमाज हो गई भाई सबकी, और देखिए नमाज के बाद की ये भीड़ है, सब लोग निकल रहे हैं, हम भी यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे आगे। काफी खूबसूरत मंजर है और लाइट जलने के बाद तो ये माशाल्लाह और ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, देख सकते हैं आप। आज यहाँ पर भाई मतलब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है, नमाज पढ़ने का भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस था, काफ़ी बड़ी जमात थी यहाँ पर। और बस ये उमर भी आ गया है नमाज़ पढ़ के, लाइटें पीछे चल गई हैं, बस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी और लाइटें भी जल जाएगी, बट अब हम लोग निकलते हैं बाहर, काफ़ी टाइम हो गया, बाहर चलते हैं, उसके बाद कुछ खाएँगे पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे। चल रहे हैं भाई बाहर, एक नंबर गेट से हम लोग भाई, अब चलते हैं हम लोग आगे, फिर आप लोग देख ही सकते हैं भाई। अब आए हैं हम जामा मस्जिद के मेन एरिया में, और पीछे जामा मस्जिद और इधर पूरी होटलें हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए भाई होते हैं। हम ढूंढ रहे हैं असली मोहब्बत का शरबत, यहाँ पे हर दूसरा आदमी मोहब्बत का शरबत दुकान खोल के बैठा हुआ है, देखते हैं कौन है असली वाला। भाई लाइन लगी पड़ी हुई है यार, लग रहा है फ्री में बट रहा है।
ये देखिए भाई असलम चिकन की भीड़ देख लीजिए आप लोग। असलम चिकन यही है भाई। अभी पीछे पूछा मैंने लोगों से तो पता चला कि मोहब्बत का शरबत जो असली वाला है वो जो है और आगे है। तो चलिए बस उन्हीं के पास चलते हैं। पहले तो लग रहा है कि रमजान में आ गए हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। क्या आप लोगों ने इनको देखा होगा, अभी भी शरबत मोहब्बत है। जबरदस्त तरीके से जो है बनाया जा रहा है यहाँ पर। टेस्ट किया जाए सोचते हैं यहाँ पर कैसा। उमर बेहतरीन, नीचे से गर्मा गर्म धुआं आ रहा है भाई, ऊपर ठंडा। चलिए टेस्ट करो, बढ़िया लग रहा होगा। कितने रुपए का एक गिलास है? हाँ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है भाई। लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लगी हुई है यार यहाँ पर। हबीबी वाले और ये है मोहब्बत के शरबत। और अस्सलाम वालेकुम, बहुत दूर से आए हैं आपकी मोहब्बत में मोहब्बत का शरबत पीने। इलाहाबाद से आपकी, आपके शहर, आपकी गली में, आपकी दुकान के सामने आए हैं। माशाल्लाह, चलिए जज़ाकअल्लाह। हाँ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है, बहुत ही मोहब्बत से दिया है भाई ने शरबत और बहुत ही टेस्टी है। आप सब ने इनको देखा होगा वीडियो में, काफ़ी फेमस आदमी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। कोशिश है असलम चिकन जाने की, लाइन लगी हुई है, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पर, हिम्मत टूट गई है और एकदम की हालत भी ख़राब है भाइयों। तो फाइनली घर आ गए हम लोग और हालत बुरी से भी ज़्यादा बुरी हो गई है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। बस बहुत घूम लिया, सारी चीज़ें हो गई। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं भाई। और बस व्लॉग एंड करने के बाद कोई एडिटिंग नहीं होगी, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जब तक मैं वीडियो डालूंगा, बट आज कुछ नहीं होगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि जब वीडियो शूट करता हूं तो रात में ही एडिट करके उसको अपलोड कर देता हूँ, बट आज ऐसा नहीं हो पाएगा। एक दो दिन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी और उसके साथ बस वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड। मज़ा बहुत ज़्यादा आया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पुराने व्यूअर्स भाई, आपका हमेशा शुक्रिया रहता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलता हूँ भाई सोने, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। यो यो गाइस, भाइयों, बहनों, दोस्तों, यारों, दुश्मनों, आज को मैं वापस से, आज हम जाएंगे यहाँ पे, आज हम खाएंगे ये, और पैसा है मेरे पास तो ये तो एक पैसे की गड्डी। दोस्तों ये देखिए आईफोन में शूट हो रहा है, ये देखिए दोस्तों आईफोन पकड़ा है, वो देखिए दोस्तों। हमको कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग मेरा बिहाइंड द सीन तैयार करवा रहे हैं। बहुत दोस्तों पैसा बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा खर्च करने कहाँ जाए, तुम्हें डिसाइड नहीं हो पा रहा है। दोस्तों गाड़ी इतनी सारी की चाबी डिसाइड नहीं हो पा रही है, चाबियां मिक्स हो रही है, फिर आखिर में याद है मेट्रो से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बेचारा बंदा जो है ब्लॉग बनाना चाहता था, इसने कल सिर्फ कल वीडियो शूट की, उसके बाद इसका सारा ब्लॉग का भूत उतर गया। शाहरुख खान आएगा, ये देखिए बड़ा सा बच्चा है। ऐसा लग रहा है सर आपको पहली बार मेट्रो में? पहली बार नहीं आ रहे बेटे, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं मेट्रो में अक्सर आ चुका हूँ दिल्ली में भी। लेकिन टिकट में तो आपका झमेला हो गया ना इतना लंबा? झमेला